नमस्कार साथियों, आज वित्त मंत्री जी ने एक लोन मेला का आयोजन किया है। उन्होंने 3,70,000 करोड़ का लोन एमएसएमई को देने की बात कही है। मेरे इस संदर्भ में वित्त मंत्री जी से दो सवाल है। अभी 4 सप्ताह पहले ही तो आपने सारे लोन पे मोरेटोरियम 3 महीने का ये कह के बढ़ाया कि लोन की किस्त चुकाना लोगों के लिए इस आपदा के समय मुश्किल होता जा रहा है। अब आप कह रहे हो लोन ले हो। अरे आज लोगों को लोन नहीं, लोन मेला लगाने की जरूरत नहीं थी आपको। आज लोगों के लिए कैश सहायता मेला लगाना चाहिए था आपको। लोगों का हाथ पकड़ने की जरूरत थी, लोगों के खातों में पैसा डालने की जरूरत थी। 6,00,000 करोड़ रुपए की घोषणाएं हुई आज। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, इन 6,00,000 करोड़ रुपए में से 1 रुपये का भी एडिशनल इंक्रीमेंटल 1 पैसा भी क्या किसी बेरोजगार जिसने अपनी नौकरी इस आपदा में खोई है उसके खाते में जा रहा है? क्या एक किसान जिसकी फसल सरकार एमएसपी में नहीं खरीद पाई उसके खाते में जा रहा है? क्या एक महिला जिसके परिवार के किसी सदस्य ने या तो नौकरी खोई है या 40 से 50% की वेतन में कटौती की खबर आई है, क्या उसके खाते में जा रहा है? आपने 6,00,000 करोड़ की घोषणा कर दी पर 1 रुपये का भी कैश आउटफ्लो नहीं हुआ। आप कह रहे हो लोगों को, ये कह रहे हो कि आपदा के समय कर्ज लो। आपदा के समय, आपदा का समय कर्ज लेने के लिए नहीं होता। आपदा का समय लोगों का हाथ पकड़ने के लिए होता है, लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाने का होता है। और नौजवान जिसने नौकरी खोई उसके हाथ में पैसा पहुंचाने का होता है। जो कामगार जो अभी तक अपने घर नहीं पहुंचा है, पैदल चल रहा है, उसके हाथ में पैसा पहुंचाने का होता है। आज की घोषणा सिर्फ लोन मेला थी और कुछ नहीं।